हिंदू धर्म में हर त्यौहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है। उन्हीं त्यौहारों में से नवरात्र भी एक ऐसा त्यौहार है जिसे लेकर माँ के भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। नवरात्र 9 दिनों का त्यौहार होता है जो हर साल 2 बार मनाया जाता है। इन 9 दिनों में लोग माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। गर्मियों की शुरुआत में आने वाले चैत्र नवरात्रों की अपनी एक खास महत्व है। इस बार के चैत्र नवरात्र 18 मार्च से शुरू हो चुके हैं। वैसे तो ये 9 दिनों के होते हैं, लेकिन इस बार ये नवरात्र सप्तमी और अष्टमी एक ही दिन आने के कारण 8 दिन मनाए जाएंगे। इसलिए इन नवरात्रों का अंत 25 मार्च को होगा। नवरात्रों का ये पावन त्यौहार इस बार 1100 साल के बाद ऐसा महासंयोग लेकर आ रहा है जिससे कई राशियों की किस्मत बदल जाएगी। आपको हम बता दें कि इस बार के नवरात्र 3 राशियों के लिए बहुत ही खास है और अच्छे दिन लाने वाला है। तो चलिए जानते हैं उन 3 राशियों के बारे में जिनकी किस्मत पलटने वाली है। दरअसल 1100 साल के बाद ये सप्तमी राशियों पर अपना प्रभाव डालने वाली है, जिसके चलते माँ लक्ष्मी इन 3 राशियों पर इतनी मेहरबान होंगी कि वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। तो अब हम आपको उन 3 राशियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है, लेकिन आपको इसका फल भोगने से पहले कुछ परिश्रम करना पड़ेगा ताकि आपका भाग्य आपका पूरा सहयोग दे सके। पहली राशि है मेष राशि। इस चैत्र नवरात्र पर सबसे अधिक मालामाल होने वाली राशि मेष राशि है। दरअसल ये चैत्र नवरात्र मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास बने रहने वाले हैं। 1100 साल के बाद ऐसा महासंयोग बनने के कारण मेष राशि के जातकों के घर खुशियां आने वाली है। व्यापार और नौकरी में मेष राशि को सफलता मिलने वाली है। धन का लाभ होने की संभावना है। पिछले पड़े हुए सब कष्टों से और कर्जों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। भाग्य आपका साथ देने वाला है, इसलिए आप जो कदम उठाएंगे आप उसी में सफलता हासिल करेंगे। दूसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के लोग जल्दी क्रोध के भाव में आ जाते हैं, इसलिए आप इस नवरात्र में ऐसा कोई काम ना करें जिसके कारण आपको भारी नुकसान उठाना पड़े। इस चैत्र नवरात्र में सिंह राशि के जातकों को माँ दुर्गा का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि इस सप्तमी पर माँ दुर्गा आपके लिए विशेष सौगात लेकर आ रही हैं। दरअसल 1100 साल के बाद बन रहे इस महासंयोग के चलते सिंह राशि के लोग मालामाल होने वाले हैं। इसके अलावा किसी भी अच्छे काम को करने के लिए ये आपके लिए शुभ समय है। तीसरी राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह में महासंयोग काफी बेहतर होने वाला है। इस महासंयोग के चलते इस राशि के लोगों का ये पूरा साल मंगलमय बना रहेगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो इस बार आपकी प्रमोशन होना तय है। व्यापार में जल्द ही आपको शुभ समाचार मिलने वाले हैं। मूर्ख लोगों की संगति में पड़कर आप अपना समय व्यर्थ ना गवाएं और बिजनेस पर खासकर ध्यान दें। इस राशि के जातकों पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, जिसके चलते उन्हें धन की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।